नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़। 2019 दिल्ली कॉन्स्टेबल का एग्जाम होया से, जिस विच डिजिटल लिटरेसी रिलेटेड भी सिलेबस इंक्लूड सी। दिल्ली कॉन्स्टेबल के एग्जाम नू एनालाइसिस करन तो बाद जेडे भी डिजिटल लिटरेसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए सी, उन्हां नाल रिलेट करते हुए क्वेश्चन मैं इस वीडियो विच इंक्लूड किए हुए ने, तां करके काफ़ी इंपोर्टेंट ने। ते एक गल होर, ओह एग्जाम भी TCS कंपनी ने लिता सी, जिहड़ा कि पंजाब कॉन्स्टेबल का एग्जाम भी TCS कंपनी लै रही है। तो करके यही क्वेश्चन देख के तुम अंदाजा लगा सकते हो कि TCS कंपनी कॉन्स्टेबल के एग्जाम किस टाइप के क्वेश्चन पुट कर सकती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, आप सीधा अज के क्वेश्चन नंबर एक ते आने। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एप्लीकेशन शुरू करने लिए आपां की करना पैंदा है? सब तो पहला स्टार्ट बटन ते जाना पैंदा है, उत्थे आपां नूं रन का ऑप्शन मिल जाता है, उससे आपां टाइप करते हैं पावरपॉइंट, तो जिहड़ी पावरपॉइंट की एप्लीकेशन अपने सामने ओपन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर टू की गल करिए, लेटेस्ट पावरपॉइंट 2019 एक स्लाइड शो शुरू करने लिए कीवर्ड केड़ा है, मतलब शॉर्टकट की केड़ा है? तो जो F5 आप नपदे हाँ तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर तीन की गल करिए, करंट स्लाइड शो शुरू करने लिए शिफ्ट प्लस F5 आपको दबना पैंदा, मतलब आप जे 5 स्लाइडा बनाई है पावर पॉइंट विच, ते आपां तीजी स्लाइड तो स्लाइड शो स्टार्ट करना है, मतलब तो आपां नूं शिफ्ट प्लस 5 नपना पवेगा। जे शुरू तो ही स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो सिर्फ F5 नपना पवेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 की गल करिए, करंट प्रेजेंटेशन विच न्यू स्लाइड शॉर्टकट की केड़ी है? कंट्रोल प्लस M दब के आप न्यू स्लाइड ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की गल करिए, पावर पॉइंट लई स्लाइड स्टोरर डैश मेन्यू ते उपलब्ध है? व्यू मेन्यू हुंदा है पावर पॉइंट विच, उपर देखा होगा रिवन विच व्यू मेन्यू का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिस विच स्लाइड स्टोरर का ऑप्शन उपलब्ध हुंदा है। एंड दोस्तों, डिजिटल लिटरेसी रिलेटेड 300 टॉप इंपोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की मैं PDF फाइल ही रेडी की हुई है। जो तुम इसको बाय करना चाहते हो सिर्फ 44 रुपीज़ में, तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इससे मैं फॉलो करो, मेरे नाल गल करो, तो पूरी जानकारी लो, तो फिर इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल बाय कर सकते हो। काफ़ी कैंडीडेट्स ने यह PDF फाइल ऑलरेडी बाय कर ली है। जो तुम भी अपनी एग्जाम की तैयारी में परफेक्ट बनाना चाहते हो तो इस PDF फाइल में जरूर बाय कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 6 की गल करिए, स्लाइड एग्जिट अते अनदर इंटर दे विचकार मोशन इफेक्ट नू लागू करने लिए तुसी केड़ी विशेषता की वरतों करोगे? तो स्लाइड ट्रांजिशन का फीचर हुंदा है, जिस करके आपां मोशन इफेक्ट लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की गल करिए, रेडीमेड फोंट कलर अते ग्राफिक्स चुन के केड़ी चीज़ तुहानू नवी प्रेजेंटेशन बनाउण दी आग्या दिंदी है? डिजाइन टैंपलेट का फीचर आपां उपर रिवन विच मिल जाता है, जिससे क्लिक करके आप नवी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की गल करिए, पावर पॉइंट डैश का एक हिस्सा है MS ऑफिस का एक हिस्सा है, MS ऑफिस पैकेज MS वर्ड पावर पॉइंट तो MS एक्सल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की गल करिए, पावर पॉइंट डैश किस्म का सॉफ्टवेयर है? यह प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की गल करिए, पावर पॉइंट डैश पावर पॉइंट विकसित किया है, मतलब कि MS पावर पॉइंट किसने बनाया है? रॉबर्ट गैसकिंस एंड डेनिस अस्टिन नामक दो व्यक्तियों ने मिल के MS पावर पॉइंट को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 11 की गल करिए, पावर पॉइंट का शुरुआती नाम की सी? तो इसका शुरू में जो बनया इस नाम प्रेजेंटेटर रखा गया सी। क्वेश्चन नंबर 12 की गल करिए, लेटेस्ट वर्जन नेम ऑफ पावर पॉइंट का जिहड़ा MX पावर पॉइंट 2019 का सब तो लेटेस्ट वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 13 की गल करिए, डैश एप्लीकेशन की वरतों प्रेजेंटेशन बनाने लिए की जाती है? MS वर्ड MS पावर पॉइंट की वरतों प्रेजेंटेशन बनाने लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 की गल करिए, ग्राफिक्स धुनी फिल्म आदि के नाल नाल डेटा सिस्टमैटिक डिस्प्ले नू की कहिंदे ने? प्रेजेंटेशन, तुसीं देखिया होगा प्रेजेंटेशन विच आपां म्यूजिक भी लगा लैंदे आ, कोई आपां ग्राफिक्स इफेक्ट भी लगा लैंदे आ, ते कोई धुनी जां कोई फिल्म वीडियो भी अटैच करके उसनू डिस्प्ले कर सकते हैं, तो सिस्टमैटिकली प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की गल करिए, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन की है? जो आप पावर पॉइंट की फाइल में सेव करते हैं तो सेव के नाम के पिछे कदे भी तुसी नोटिस करियो .PPT लिखा होगा, तो इसका यह फाइल का एक्सटेंशन नाम होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की गल करिए, एक प्रेजेंटेशन का एक बखरा पन्ना की कहा जाता है? स्लाइड उसनू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की गल करिए, डैश नू मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है MS पावर पॉइंट में, क्योंकि इस विच म्यूजिक भी ऐड हो जाता है तो वीडियो भी ऐड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 की गल करिए, एक प्रेजेंटेशन विच इलैक्ट्रॉनिक पेज की है?
स्लाइड, स्लाइड नूं इलैक्ट्रॉनिक पेज के नाम नाल भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर पावर पॉइंट विच डुप्लीकेट स्लाइड बनाने लिए शॉर्टकट की केड़ा है? कंट्रोल प्लस डी, डी में मतलब डुप्लीकेट, ईजीली आपां एग्जाम विच यह पॉइंट याद रह जाएगा। तो हेठ लिखा विच केड़ा एक एनीमेशन इफेक्ट नहीं है? अपीयर, फेड, ट्रांसलेट ते व्हील। ना ट्रांसलेट है जिहड़ा, यह कोई इफेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की गल करिए, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने लिए शॉर्टकट की केड़ा है? ब्लैंक की हुंदा, न्यू हुंदा। तो कंट्रोल प्लस एन, एन मतलब न्यू, आपां नूं ईजीली माइंड विच ये सैट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की गल करिए, पावर पॉइंट टैक्सट एरिया विच निशानबंद बिंदु बॉक्स से की दर्शाता है? प्लेस द होल्डर, जिस भी आपां सैल विच क्लिक करते हैं उत्थे एक आपां नूं डॉट दिखाई दिंदा, बिंदु दिखाई दिंदा, जिसनों आपां प्लेस होल्डर के तौर पर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की गल करिए, पावर पॉइंट विंडोज़ विच प्रश्न चिन्ह की दिखाता है? मेनू बॉक्स में दिखाता वो। क्वेश्चन नंबर 24 की गल करिए, पावर पॉइंट विंडोज़ दे किस पासे एनीमेशन पेन दिखाई दिंदी है? राइट साइड ते जिहड़ा भी एनीमेशन पेन हुंदा है। क्वेश्चन नंबर 25 की गल करिए, पावर पॉइंट कंट्रोल प्लस डबल्यू दबाउण ते की हुंदा है? क्लोज़ हो जाती है, जिहड़ा भी आपां फाइल ओपन कर रहे हैं वह क्लोज़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 की गल करिए, प्रेजेंटेशन नूं खोलण लई किहड़ा शॉर्टकट की वरत्या जाता है? कंट्रोल प्लस ओ, मैंने ओपन, ओपन मैंने खोलना, यही तुसीं याद रखियो। क्वेश्चन नंबर 27 की गल करिए, पावर पॉइंट विच खब्बे करजर दे एक शब्द नूं मिटाउण लई शॉर्टकट की किहड़ा है? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस नप के आपां लैफ्ट साइड दे जिहड़े भी अपने लैटर्स हुंदे ने उहनां नूं डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की गल करिए, पावर पॉइंट विच एक चैकिंग स्पैलिंग शॉर्टकट की किहड़ा हुंदा है? तां F7 जिहड़ा स्पैलिंग चैकिंग शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नंबर 29 की गल करिए, पावर पॉइंट विच असीं विकल्प की वरतों नाल सारियां स्लाइडां ते एक फोंट नूं एक होर फोंट नाल बदल सकते हैं। तो फॉरमैट ते क्लिक करके उस तो बाद रिप्लेस फोंट दा आपां नूं ऑप्शन मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की गल करिए, पावर पॉइंट विच बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन कितने होंगे? तो उपर आपां नूं रिवन विच फॉरमैट का ऑप्शन मिल जाता है। जिस तरह हुण मैं 30 नंबर के बाद स्लैश पाई हुई है, इस तरह के फीचर आपां नूं बुलेट्स अते नंबरिंग विच ऑप्शन विच देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की गल करिए, शॉर्टकट की ऑफ इनक्रीजिंग द साइज सिलेक्टेड की, मतलब कि जिहड़ा सिलेक्ट किया होया आपां टैक्सट, जे उन्हां दा साइज आपां इनक्रीज करना तो आपां नूं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ते राइट एरो दा निशान तुसीं देख सकते हो, यह दबना पवेगा। तो शॉर्टकट की टू सेव पावर पॉइंट फाइल, कंट्रोल प्लस एस, काफ़ी बार एग्जाम में यह रिपीट होया, तो ईजी क्वेश्चन है, एस मैंने सेव, कंट्रोल प्लस एब पावर पॉइंट की फाइल सेव करने वास्ते है। पावर पॉइंट एक्सटेंशन की होंगी है? तो डॉट पी पी एस एक्स इज द एक्सटेंशन होंदा। क्वेश्चन नंबर 34 की गल करिए, पावर पॉइंट 2003 प्रेजेंटेशन एक्सटेंशन नेम की है? तो डॉट पी पी टी। क्वेश्चन नंबर 35 की गल करिए, पावर पॉइंट मैक्रो एनवैलिड प्रेजेंटेशन एक्सटेंशन की होंगे? डॉट पी पी टी एम इसनों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की गल करिए, पावर पॉइंट 2021 प्रेजेंटेशन एक्सटेंशन का नाम की होंगे? डॉट पी पी टी एक्स। क्वेश्चन नंबर 37 की गल करिए, पावर पॉइंट तुसीं ड्रा टेबल टूल बटन कितने लभ सकते हो? टेबल्स एंड फॉरमैटिंग का फीचर होंगे, ऑप्शन होंगे, उस विच आपां ड्रा टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 की गल करिए, सुपरस्क्रिप्ट ते आउटलाइन ते एम्बोस ते एनग्रेव फंक्शन डैस वजो जाना जाता है, ये फोंट के इफेक्ट ने। इस विच आपां आउटलाइन लगा सकते हैं, उसका बॉर्डर लगा सकते हैं, फोंट के जिहड़े भी आपां टाइप किया है तो उसके फंक्शन ने यह। क्वेश्चन नंबर 39 की गल करिए, शॉर्टकट की F12 यूज फोर, मतलब शॉर्टकट की F12 की वरतों होंगी है? सेव एज ए डायलॉग बॉक्स विच इसका यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 की गल करिए, तुसीं MS Excel विच एक दस्तावेज नूं किन्ने तरीके नाल सेव कर सकते हो? तीन तरीके नाल हुंदा, एक तां डायरैक्ट फाइल विच जाके, एक कंट्रोल प्लस S नप के, तो एक जो आप एक्स ते बटन दबदे हां तां उस तों बाद आपां नूं एक पॉपअप दिखाई देता जिस पर आपू सेव का भी फीचर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 की गल करिए, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप की है? यह पेज ओरिएंटेशन का एक फीचर हों। क्वेश्चन नंबर 42 की गल करिए, लास्ट वर्क नूं अंडो करने लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड, तो लास्ट वर्क नूं रीडू करने लिए
कंट्रोल प्लस वाई है। क्वेश्चन नंबर 44 की गल करिए, पहला नैटवर्क जिसने इंटरनेट के बीज बीजे सी, तो आर्पनैट एक कंपनी है जिसने सब तो पहले इंटरनेट की खोज की। आर्पनैट की फुल फॉर्म की है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नैटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 46 की गल करिए, आर्पनैट लॉन्च कदों होया सी, 1970 लॉन्च होया सी। क्वेश्चन नंबर 47 की गल करिए, आर्पनैट किस प्रोटोकॉल दे थ्रू चलता है, तो दो प्रोटोकॉल ने, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है, तो IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 48 की गल करिए, IP एड्रेस किन्नी किस्म का होंगे, काफ़ी बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम, याद रखियो। तो IP एड्रेस दो किस्म का होंगे, तो IP वर्जन 4 जिहड़ा कि 32 बिट का होंगे, तो IP वर्जन 6 जिहड़ा कि 128 बिट का होंगे। क्वेश्चन नंबर 49 की गल करिए, कंप्यूटर IC यानी इंटीग्रेटेड चिप डैश द्वारा बनाया गया, मतलब यह कंप्यूटर IC चिप किस दी बनी होंगी, किस मटीरियल दी बनी होंगी है, सिलिकॉन ते जर्मेनियम दी यह IC चिप बनी होंगी है। क्वेश्चन नंबर 50 की गल करिए, IC चिप किस कंप्यूटर पीढ़ी विच बनाई गई सी, मतलब किहड़ी जनरेशन विच जिहड़ी यह IC चिप इंटीग्रेटेड चिप आई सी, तो 3rd जनरेशन के कंप्यूटर यह यूज़ करती जान लग गई सी। क्वेश्चन नंबर 51 की गल करिए, IC चिप की खोज किसने की सी, तो जैक किलवे एंड रॉबर्ट नॉय नामक दो साइंटिस्ट ने IC चिप की खोज की सी। क्वेश्चन नंबर 52 की गल करिए, IBM की है, यह एक कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 53 की गल करिए, IBM की फुल फॉर्म की है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यह कंपनी है जी अमेरिका की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 54 की गल करिए, ISP की फुल फॉर्म की है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 55 की गल करिए, MPEG की फुल फॉर्म की है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसकी फुल फॉर्म है। WLL की फुल फॉर्म की है, वायरलेस इन लोकल लूप इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 57 की गल करिए, विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलने लिए शॉर्टकट की कीड़ी है, विंडो एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है, इसनों खोलने लिए अपन विंडो की होंगे एक कीवर्ड पर जिससे विंडो छपी होंगी है, प्लस ई दब के आप विंडो एक्सप्लोरर का जोड़ा ब्राउजर है इसनों ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की गल करिए, वट इज़ बैकअप, बैकअप की होंगे, डाटा सुरक्षित करने लिए इसनों मूल स्रोत तो कॉपी करके कित होर सेव करना आप बैकअप कहने। क्वेश्चन नंबर 59 की गल करिए, किन्ने KB 1 GB के बराबर होंगी है, 1024 × 1024 KB जी 1 GB के बराबर होंगी है। तो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बिट वाइट KB MB GB TV तो PB कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हुण इसनु ध्यान नाल समझ लो। सब तो छोटा की हुंदा है, बिट हुंदी है, मतलब एक बिट हुंदी है, इस बिट सिर्फ बाइनरी डिजिट हुंदे ने 0 ते 1, इस बिच कोई स्पेस नहीं हुंदी। इस तो बाद बिट तो बाद की हुंदी है, एक बाइट हुंदी है जिस बिच 8 बिट इनकलूड हुंदे ने, ते इस तो बाद बिट बाइट तो बाद की KB हुंदी है जिस बिच 1024 bytes इनकलूड हुंदे ने, ते इस तो बाद की हुंदा 1 MB हुंदी है जिस बिच 1024 KB इनकलूड हुंदी है, इस तो बाद 1 GB हुंदी है जिस बिच 1024 MB हुंदी है, इस तो बाद 1 TB यानी TB हुंदा है जिस बिच 1024 GB हुंदी है, ते GM लिखा हुआ सॉरी GB हुंदी है, ते इस तो बाद की हुंदा है पैटावाइट हुंदा, 1 PB हुंदा है जिस बिच 1024 TB इनकलूड हुंदे ने। देखो दोस्तों, जो वीडियो बेनीफिशियल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो में लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, तो चैनल में सबसक्राइब भी कर दिया करो, बस यही रिक्वेस्ट है। तो हुण आपां क्वेश्चन नंबर 61 की गल करिए, भारत का पहला कंप्यूटर कित्थे स्थापित किया गया सी, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होया क्वेश्चन यह, तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में पहला कंप्यूटर सैटअप किया गया सी। क्वेश्चन नंबर 62 की गल करिए, CRAY यानी क्रे की है, यह एक सुपर कंप्यूटर है, तो क्रेबन कंप्यूटर का पहला नाम की सी, तो CDC 6600 इसका पहला नाम सी। तो क्वेश्चन नंबर 64 की गल करिए, क्रेबन कंप्यूटर यह किस साल बनाया गया सी, तो 1976 ईस्वी बनाया गया सी। क्वेश्चन नंबर 65 की गल करिए, क्रेबन कंप्यूटर डैश द्वारा बनाया गया सी, तो सिमोन क्रे नामक एक व्यक्ति द्वारा यह कंप्यूटर
ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 66 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਮਿਟ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਇਆ ਫੁਗਾਕੂ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਪਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ।